माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज का वीडियो है मेरा फर्स्ट हॉल वीडियो, मिनीसो हॉल। मिनीसो एक जापनीज ब्रांड है जिसके इंडिया में काफी सारे स्टोर्स खुल चुके हैं, दिल्ली में भी इसके काफी स्टोर्स हैं। मैंने नोएडा के डीएलएफ मॉल में जब मिनीसो स्टोर देखा तो मुझे लगा मुझे ये स्टोर जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख रही थी ऑलरेडी, जहाँ पर यूट्यूबर्स बहुत सारे क्यूट क्यूट स्टफ्स दिखा रहे थे। और आज मैंने बहुत ज्यादा परचेजिंग नहीं की है, जो चीजों की मुझे जरूरत थी मैंने वही चीजें खरीदी हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं। सो गाइज, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप और ऐसे हॉल वीडियो देखना चाहते हैं। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रश होल्डर है, मेरे बच्चों को इतने देर से मैंने रोका हुआ है कि किसी तरह से कि मैं वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, उसके बाद आप इसे ओपन करना। वो लोग इतने एक्साइटेड हैं इसे वॉश बेसिन के पास वॉशरूम में लगाने के लिए। बहुत क्यूट लगे, ये पूरा एक फैमिली का जैसे ब्रश होल्डर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई लाइक इट। नेक्स्ट गाइस, मैं लेकर आई हूँ, आपको तो पता है मेरा कुकिंग चैनल, मेरे चैनल पर मैं कुकिंग वीडियोस भी डालती हूँ। और मेरा नाइफ जो है आजकल बहुत मेरे नाइफ जो है काफी खराब हो गए थे, बट ये मैंने वहां पर नाइफ देखा, ये है मिनीसो सेरेमिक नाइफ। जी हाँ, सेरेमिक कुछ काफी डिफरेंट सा लगा मेरे को वहां। मुझे मैं थोड़ा सा पहले डाउटफुल थी कि मैं इसे परचेज करूँ कि नहीं, बिकॉज आई डिड नॉट नो अबाउट इट्स क्वालिटी।
सो मुझे वहाँ एक लेडी मिली जो ऑलरेडी ये सेकेंड टाइम परचेज कर रही थी, तो मैंने उन्हीं से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी शार्प है, मैंने अभी यूज नहीं किया है। सो मुझे ये इसका प्राइस है 230, मुझे काफी अच्छा लगा। अगर इसकी क्वालिटी वाइज ये अच्छा हुआ तो इट्स अ गुड बाय। नेक्स्ट गाइस, मैंने ये लिए हैं कॉटन पैड्स, जो कि मिनीसो में आप जाएं और ये नहीं ले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये गाइस मुझे 250 का पड़ा है और इसमें लाइक 225 आई थिंक कॉटन पैड्स हैं। जी हाँ, 225 कॉटन पैड्स हैं। मैंने अभी यूज नहीं किए हैं बट आई गेस ये काफी अच्छी क्वालिटी के होंगे। नेक्स्ट गाइस, मैंने ये लिया है एक बैग, ये बहुत ही क्यूट और इसका स्टफ लाइक जूट कॉटन का स्टफ है और इसमें एक जिपर है। ये बेसिकली मैंने अपनी डॉटर के लिए लिया है, अंदर से ये कुछ इस तरह से सिल्वरी मटेरियल का है, काफी अच्छा लगा मुझे। बच्चे पार्क जाते हैं, कुछ छोटा सा कहीं छोटा सा स्नैक वाटर बॉटल आप इसमें डालो और यू आर गुड टू गो, तो मुझे काफी अच्छा लगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये, इसलिए मैंने इसे परचेज किया और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे, काफी स्टर्डी है। इसका प्राइस है 250 रुपीज, मुझे काफी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा इसका। नेक्स्ट गाइज, ये है एक फेस टॉल, ये इसका प्राइस है 190 रुपीज। बिकॉज मैं अपने फेस को वाइप ऑफ करने के लिए सेपरेट टॉल यूज करती हूँ, जो कि अभी थोड़ा सा खराब हो गया है, इसलिए मुझे एक नया टॉल चाहिए था। इसे मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, लेट मी शो यू इस साइज। इस तरह का इसका कुछ रेक्टेंगल शेप का साइज है। आई होप कि ये वॉश करने के बाद भी इतना ही सॉफ्ट रहे, बहुत अच्छा है क्वालिटी वाइज। नेक्स्ट गाइस, द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर बॉट इज दिस वन। ये देखने में एक छोटे से बेबी का फ्रॉक लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी कोई ड्रेस नहीं है। ये है एक टॉल जिसे आप अपने वॉश बेसिन पे के पास टांग सकते हैं, वॉशरूम में या बेसिन के पास। मुझे मेरे बेसिन के लिए एक टॉल चाहिए था, बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैंने उसी वक्त इसे मतलब ग्रैब कर लिया कि मुझे ये जरूर चाहिए अपने बाथरूम में। बहुत ही अच्छा है, क्यूट है और मेरे बच्चों को लगा मम्मा ये किसके लिए आपने लिया है छोटा सा फ्रॉक, किसी को भी देखने में यही लगेगा। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, ये भी काफी सॉफ्ट है और इतना नहीं है कि काफी एब्जॉर्बेंट लग रहा है अभी तक। तो एक ये लिया है, इसका प्राइस है 250 रुपीज, बट ये काफी अच्छा है, आप इसे बिल्कुल एज इट इज हैंग कर सकते हैं अपने बेसिन के पास, मुझे ये काफी अच्छा लगा। लास्ट नहीं है, टू मोर थिंग्स। ये मैंने एक वॉलेट परचेज किया, मेरे पास हैंडबैग में रखने वाला वॉलेट मेरा काफी खराब हो गया था, सो इसलिए मुझे ये जब मैंने वहां इसकी वैरायटी देखी काफी अच्छी लगी मुझे, काफी अलग अलग साइजेस थे, कलर्स थे, बट आजकल येलो बहुत इन है गाइस, ड्रेसेस में, कुर्तीज में, टॉप्स में, बैग्स में येलो, मस्टर्ड येलो तो एकदम इन कलर है, तो मुझे ये कलर काफी वैसे पसंद है इसलिए मैंने ये कलर परचेज किया। काफी अच्छी क्वालिटी है जिपर की भी और इसका प्राइस है 350 रुपीज, काफी अच्छा है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, इसमें अंदर दो पॉकेट्स हैं, काफी सारे अंदर पॉकेट्स हैं, तो काफी अच्छा लगा मुझे ये, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। और लास्ट फ्रेंड्स है, मैंने लिए हैं आईब्रो शेपर, बिकॉज मैं आईब्रोज घर पे ही करती हूँ, पहले मैं टिंकल का रेजर यूज करती थी जिससे कि मैं अपना फेस भी शेप करती हूँ। ये क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी इनकी, ये इसका प्राइस है 150 रुपीज और अभी यूज नहीं किए हैं मैंने,
पर टिंकल से ये थोड़े से छोटे साइज के हैं जो कि मुझे काफी कॉम्पैक्ट लगे। मुझे कुछ इसी तरह का छोटे साइज का ही रेजर चाहिए था और इसकी क्वालिटी मेरे को आई गेस काफी अच्छी लग रही है फिलहाल, तो देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। बहुत सारे रेजर थे वहां पर अवेलेबल थे, बहुत सारे मेकअप ब्रशेस भी अवेलेबल थे, बट मुझे लगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रशेस हैं तो मैं पहले उन्हें यूज करूं। मेकअप लाइन भी है, मिनीसो की मेकअप लाइन भी है वहां पर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, बहुत सारी चीजें, कॉम्पैक्ट, लूज पाउडर और कुछ परफ्यूम्स काफी अच्छे थे। सो गाइस, ये था मेरा मिनीसो हॉल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस नहीं कर पाए। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।